उत्तराखंड के पौड़ी जिले में नदी में ढह गया मकान। तेज लहरों की वजह से जहां जमीन का कटाव दिखाई दे रहा है। भारी बारिश में उत्तराखंड बटकोट में हुआ लैंडस्लाइड। रास्तों पर चट्टान टूटने से आवाजाही बाधित। दारचूला के छिरकीला बांध से एक साथ भारी मात्रा में छोड़ा गया पानी। कई इलाकों में हुआ भूकटाव। ग्रामीणों ने एनएचपीसी पर लगाया लापरवाही का। देवभूमि में जारी है आफत की बारिश। भारी बारिश की वजह से गंगोत्री जाने से फिलहाल यात्रियों को रोका गया। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे को पहुंचा है भारी नुकसान। कल तेज लहरों में नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा बह गया। उत्तराखंड के विकासनगर में नदी का जल स्तर बढ़ने से आफत डूबे इलाकों से 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया। मनाली में बाढ़ और बारिश ने मचाया विध्वंस। कई इलाके पानी पानी। बड़े बड़े हाईवे भी बर्बाद हो गए। कुल्लू में भी हर तरफ बर्बादी की तस्वीर। हाईवे में दरार। सेब के बागानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। कुल्लू में कई जगह खेतों में घुस गया ब्यास। नदी का पानी। खेतों में मछलियां पकड़ते दिखे लोग। हिमाचल के चंद्रताल में फंसे 300 लोगों का रेस्क्यू जारी। बर्फबारी से बंद रास्ते 3 दिन से फंसे हैं लोग। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में नदी में गिरी कार। एक शख्स को बचाया गया। कार में सवार बाकी 3 लोग अब भी लापता। खराब मौसम में टूट रहे हैं घर। शिमला में ढह गया एक मकान। हादसे के वक्त घर में नहीं था कोई। हिमाचल के मंडी में प्रसिद्ध पंचवक्त मंदिर में घुसा मलबा। मूर्तियों की साफ सफाई का काम जारी है। एमपी के रतलाम में कदारेश्वर मंदिर में भरा पानी। भारी बारिश के चलते मंदिर के झरने का बहाव तेज हुआ। बढ़ सकती है दिल्ली की मुसीबत। हथनी कुंड बैराज से फिर छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी। दिल्ली में बढ़ते खतरे को देखते हुए ओखला बैराज के गेट खोलने पड़ रहे हैं। दिल्ली के यमुना बाजार में बुरा हाल। कई जगह 5 फीट से भी ज्यादा पानी भर गया है। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर है। नदी किनारे लोगों को हटाने का काम जारी। पानी घटने की संभावना बन रही है। यूपी के मेरठ में भी मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। गंगा नदी के जलस्तर में हुआ इजाफा। निचले इलाकों में भरा पानी। अंबाला में बाढ़ प्रभावितों से मिले दुष्यंत चौटाला। आर्मी और एनडीआरएफ से ली हालात की जानकारी। मध्य प्रदेश में बीजेपी नहीं बदलेगी चुनाव टीम। अमित शाह ने किया ऐलान। चुनाव पर दिल्ली से नजर रखेगी टीम। अमित शाह। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में बड़ी जीत की ओर ममता की पार्टी। हिंसा पर बीजेपी की बनाई टीम। कोलकाता पहुंची। जेपी नड्डा को सौंपेगी रिपोर्ट। बीजेपी पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा काशी में मछुआ निषाद और कश्यप समाज नाराज। 80 सीट हराओ बीजेपी हटाओ। तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग पर अड़ी बीजेपी। पटना में बीजेपी का नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। इस्तीफा दो के लगाए नारे। तेजस्वी यादव को फिलहाल कोर्ट से राहत। लैंड फॉर जॉब मामले में 8 अगस्त तक सुनवाई टली। पटना में महागठबंधन दलों का मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सीबीआई चार्जशीट में ये तेजस्वी यादव का नाम आया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूर्व सीएम शीला दीक्षित के फ्लैट में हो सकते हैं शिफ्ट। फ्लैट में अब तक बेटे संदीप दीक्षित रह रहे थे। महंगे टमाटर पर सियासत जारी। हैदराबाद में कांग्रेस नेता ने टमाटरों की सुरक्षा के लिए बाउंसर तैनात किए। वीडियो वायरल। उत्तर दिनाजपुर में कल पुलिस एक्शन के दौरान घायल हुए टीएमसी नेता हमीदुल रहमान की हालत गंभीर। काउंटिंग के दौरान हुआ था लाठीचार्ज। हैदराबाद में बीआरएस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के बयान पर मचा है घमासान। भारत और फ्रांस की एयरफोर्स ने राफेल के साथ आसमान में किया अभ्यास। 14 जुलाई को मोदी के दौरे की तैयारी। फ्रांस दौरे से लौटते समय प्रधानमंत्री मोदी करीब 5 घंटे के लिए यूएई भी जाएंगे। कई समझौते पर होंगे हस्ताक्षर।
बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की बढ़ सकती है मुसीबतें। दिल्ली पुलिस ने कहा चल सकता है यौन उत्पीड़न का केस। बालटाल और पहलगाम के बीच अमरनाथ यात्रा जारी, श्रद्धालुओं के नए जत्थे को किया गया रवाना। दिल्ली के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे मिला महिला का शव, कई टुकड़ों में थी लाश, महिला की शिनाख्त की कोशिश जारी। दिल्ली में आज आग से मची अफरा तफरी, मायापुरी के एक कार एजेंसी में भड़की आग। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।